और अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर एसीबी का एक और बड़ा धमाका हुआ है। अजमेर एसीबी टीम ने जोधपुर में कार्रवाई की है, आबकारी निरीक्षक और वाहन चालक को ट्रैप किया है, 25,000 रुपए की रिश्वत लेते उसे गिरफ्तार किया। बिलाड़ा व्रत आबकारी निरीक्षक सोमराज विश्नोई को ट्रैप किया गया है, वाहन चालक सुनील विश्नोई भी ट्रैप हुआ है। लाइसेंसी शराब दुकान को निर्बाध चलाने के एवज में ये रिश्वत मांगी जा रही थी। तो आपको बता दें कि अजमेर से बड़ी खबर है, जहां पर एसीबी का एक और बड़ा धमाका हुआ है। अजमेर एसीबी टीम ने जोधपुर में कार्रवाई की है, आबकारी निरीक्षक और वाहन चालक ट्रैप हुए हैं, 25,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। बिलाड़ा व्रत आबकारी निरीक्षक सोमराज विश्नोई को ट्रैप किया है, वाहन चालक सुनील विश्नोई भी ट्रैप हुआ है। लाइसेंसी शराब दुकान को निर्बाध रूप से चलाने के एवज में ये मंथली बंदी की मांग की जा रही थी। और ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे अजमेर ब्यूरो हेड अभिजीत दवे फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। अभिजीत, एक और बड़ा धमाका इसे माना जाएगा एसीबी का? देखिए दीपक, बिल्कुल लगातार भ्रष्ट लोगों के खिलाफ एसीबी जो है लगातार कार्रवाई कर रही है, और अजमेर एसीबी की टीम ने लगातार दूसरे दिन अब बड़ी कार्रवाई की है। इस बार जिले से बाहर निकलते हुए जोधपुर के बिलाड़ा व्रत जो आबकारी निरीक्षक है उनको ट्रैप किया गया है, और उनका जो वाहन चालक है जो एक प्राइवेट व्यक्ति है उसको भी ट्रैप के साथ गिरफ्तार किया गया है। दोनों को 25,000 रुपए की रिश्वत के साथ ट्रैप किया गया है, और ये जो लाइसेंसी शराब की दुकानें हैं उस एक शराब की दुकान जो लाइसेंसी है उससे निर्बाध रूप से चलाने की एवज में 25,000 रुपए मंथली की बात चल रही थी, उसको लेकर परिवादी की ओर से ये जयपुर एसीबी में शिकायत दी गई थी। उसके बाद जो एसीबी के कार्यवाहक डीजी है उनके निर्देश पर अजमेर एसीबी के डीआईजी समीर कुमार सिंह की अगुवाई में टीम का गठन किया गया। उस टीम ने आज इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, और अब से कुछ देर पहले ही जो दोनों घूसखोर हैं उनको लेकर एसीबी अजमेर की टीम जो है जोधपुर से अजमेर पहुंची है। और जो पूरा घटनाक्रम है इसको यूं समझा जाएगा कि अब देखिए, आबकारी बंदोबस्त का जो नया वित्तीय वर्ष है 2023-24 उसके लिए पॉलिसी का निर्धारण हो चुका है। कई ऐसे शराब ठेकेदार हैं जो अपनी दुकानों को अगले वित्तीय वर्ष के लिए भी रिन्यूअल उनका करवा रहे हैं, तो ऐसे में जो ये आबकारी निरीक्षक है जो एसीबी के हत्थे चढ़ा है, ये अपने इलाके में जो आबकारी निरीक्षक है अपने इलाके में शराब की दुकानों को निर्बाध रूप से चलाने की एवज में 25,000 रुपए की मंथली की मांग कर रहा था, और उसी पूरे घटनाक्रम के तहत ये पूरा ट्रैप का जाल जो है परिवादी की शिकायत और मांग का सत्यापन होने के बाद ये जाल बिछाया गया है। तो अब से कुछ देर पहले एसीबी की टीम जो है दोनों आरोपियों को लेकर अजमेर पहुंची, और अब कल इन्हें आगे कार्रवाई के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। चलिए अभिजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभिजीत दवे हमारे अजमेर ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि लाइसेंसी शराब की दुकान को निर्बाध रूप से चलाने की एवज में पूरी की पूरी रिश्वत की मांग यहां पर की गई थी।